हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग सो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे फॉर द कमिंग टू थ्री ट्रेडिंग सेशंस कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट जैसे मरकरी वर्गों के अंदर आ गया है और मरकरी जब भी अपने हाउस के अंदर आता है तो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है मार्केट में उसके बाद बेर्स का रूल नंबर टू है जो बोलता है कि ट्रेंड गोज डाउन विद इन थ्री डेज़ वैन स्पीड डिफरेंस बिटवीन मार्टस एंड मर्करीज फिफ्टी नाइन मिनट्स ये रूल हमने अभी लगा के रखा है स्पीड डिफरेंस बिटवीन मार्स एंड मर्करीज फिफ्टी नाइन मिनट्स और ये रूल जब भी होता है हमने देखा है कि विद इन टू टू थ्री ट्रेडिंग सेशंस मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन आता है या तो इमीडिएटली चलो हो जाता है छोटा सा करेक्शन आता है जो आप जैसा आप इधर भी देख सकते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है प्लस अगर मैं आपको मरकरी को दिखाऊँ मरकरी वर्कों में कैसा इम्पैक्ट करता है तो हम जो में चलते हैं मरकरी में चलते हैं और इसमें हम सिर्फ वर्गो सेलेक्ट करेंगे आ, ये बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो सकता है जो बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि यू नो you know, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा मूवमेंट नहीं है तो हमें कोई भी एक स्टडी को फॉलो करना है और उसमें काम करना है मतलब इट्स नॉट लाइक दैट वी कैन डू बोथ ऑफ देम टुगेदर तो हम इस स्टडी में जाके काम करेंगे तो यहाँ पर देखिए मरकरी वर्गों में इधर गया था उसी दिन एक बहुत ही बढ़िया मूव आया और फिर एक छोटा सा टॉपिंग आउट फॉर्मेशन होकर मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया आपको एक और रीज़न है कि कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा तो जिस भी साइड मार्केट मूव करेगा मतलब इन्फ्लेशन डेटा एवरी वन इज़ एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट गुड सो दैट फेड का इंटरेस्ट रेट कट एटीन को हो जाए पर आप देखिए तो होपफुली यू नो परसों हम इधर गैप अप या गैप डाउन ही खुलेंगे मार्केट के अंदर तो ये मरकरी वेरगो में आप जब भी देखें अब जैसे ये वाला आपका यहाँ पे बना है तो बेसिकली जब ये लो 24750 का ब्रेक करेगा तो वीकेंड का गुड शॉर्ट ट्रेड और जब तक मार्केट कल के हाई के ऊपर विचिस ट्वेंटी के उसके ऊपर रहता है तो ये तेजी में ही रहेगा अब देखिए इन स्टडीज़ में हम कुछ और डालते हैं ये हमारा गैन का मंथली ट्रेंच लेवल है जो हर नाइन्थ को जनरेट होता है ये है फ्यूचर्स का है ट्वेंटी फाइव वन सिक्सटी तो इफ़ यू वांट टू गो बुलिश ऑन द मार्केट जिनके आज कोई भी पोजीशन नहीं है ट्वेंटी फाइव वन सिक्सटी फ्यूचर के ऊपर लॉन्ग जाइए फॉर ए मूव टू ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव थ्री एटी सेवन एंड अल्टीमेटली ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड और इफ़ यू वांट टू गो शॉर्ट देन इज टू गो शॉर्ट बिलो ट्वेंटी फोर नाइन सिक्सटी टू फॉर अ मूव टुवर्ड्स वर्ड्स ट्वेंटी फोर एट वन फोर एट वन फोर पर आप और शॉर्ट ऐड कीजिए फॉर द अल्टीमेट टारगेट ऑफ ट्वेंटी फोर सिक्स फोर्टी सिक्स ये बिफोर एक्सपायरी हमारा आ जाना चाहिए एटलीस्ट टिल दिस पॉइंट अगर हम बुलिश ट्रेड लेते हैं तो और बेरिश में एट एट वन फोर के नीचे आप बुक मत करिए वहाँ पर और ऐड कीजिए एंड बुक एवरी थिंग अराउंड ट्वेंटी फोर सिक्स फिफ्टी ये हमारा बड़ा बड़ा व्यू बन रहा है इसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी चलूँ तो बैंक निफ्टी में आपका ट्रेंड चें लेवल है फिफ्टी वन 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 थ्री और अगर इसके नीचे जाता है तो आप बेरिश फिफ्टी वन 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 थ्री के नीचे जाता है और फिर इट एड बिलो फिफ्टी वन जीरो सेवन जीरो के नीचे और ऐड कीजिए फॉर एन अल्टीमेट टारगेट ऑफ फिफ्टी सिक्स फोर्टी एंड बुलिश शुड बी ओनली अबाउ यू नो फिफ्टी वन फाइव फिफ्टी फॉर ए मूव टूअर्ड्स फिफ्टी वन सेवन ट्वेंटी नाइन एंड फिफ्टी वन फिफ्टी वन नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड से नाइन फिफ्टी की रेंज में तो एक बड़ा सा बन रहा है मार्केट uh, में ये रेंज और अगर एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि ये अगर हम यहाँ पे हम गैन एनालिस्ट को लगाते हैं गैन टाइम साइकिल्स को और अगर हम इधर भी देखें ट्वेंटी मार्च 23 पे जो निफ्टी ने बॉटम बनाया था उससे ये 365 डेज़ की साइकिल 10 सितंबर को पूरी हो रही है जो आज का ही दिन है तो बेसिकली आ, हमें ध्यान में रखना है कि अगर निफ्टी में ट्वेंटी 166 ब्रेक होता है फ्यूचर में आपको वो लेवल्स ध्यान में रखना है अब न्यूरल फोकस भी क्या बता रहा है इट विल कंटिन्यू मूविंग इन दिस स्मॉल रेंज एंड प्रोबली अराउंड 17, 18 फाइव कट के बाद एक शॉर्ट टर्म टॉप बन के मार्केट में एक अच्छा करेक्शन लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में दिखा रहा है तो इट दिस डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग तो उस पर हम नजर रखेंगे पर इस पर हमें और निफ्टी में देखिए ये जो पूरा डाउन मूव आया उसका 50 परसेंट पॉइंट भी आ रहा है समवेयर अराउंड 25043 राइट तो कल अगर सबसे पहले 25000 के नीचे जाता है तो थोड़ा बेरिशेस का संकेत होता है 24 फिर अपसाइड जैसा मैंने बताया ट्वेंटी फ्यूचर एंड के ऊपर आपको तेजी हो जाएगी तो ये एक छोटा सा व्यू बन रहा है निफ्टी का और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी तो बेसिकली uh, ये मूविंग एवरेज में इसमें एक अच्छा आ रहा है ये देखिए ट्वेंटी फिफ्टी जो इसमें हुआ है ये फिफ्टी डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है नहीं हो पा रहा है लास्ट दो तीन दिनों से तो ये 51, 50, से फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की रेंज में ही रहेगा उसके ऊपर जो भी ब्रेकआउट अगर फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड के ऊपर जाते तो फिफ्टी टू थाउजेंड और अगर फिफ्टी एक्स वन टू टू